हेलो स्टूडेंट, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ये एकेडमी 1-2-3 पर। चलिए, रोजाना की तरह मैं आज भी आपके लिए है ना बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना। आज हम समझेंगे, है ना, आज मैं बात कर रहा हूं ईएमआई से, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बात हो रही, क्या हो गया इसको, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जेई और नीट में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, वो सारी चीज़ अपन आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और इससे है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होता है, है ना, जैसा कि ये आया हुआ है ना। ये क्वेश्चन है, इसके बाद भी अपन और क्वेश्चन लेंगे, तो आज का लेक्चर जो है वो इसी पर बेस्ट है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं, और बात को शुरू करते हैं इससे पहले मैं एक बात और आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, है ना, कि इसके अलावा मैं अनएकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पर आपको है ना मिल सकता है बहुत ही अच्छा फायदा। देखिए यहाँ पर जो ड्रॉपर्स बैच है ना, जो ड्रॉपर बैच है उसमें देखिए एक टेस्ट चल रहा है ना, ITJEE एडवांस पैटर्न पर 5 to 8 PM, है ना, 5 बजे से 8 बजे के बीच में चल रहा है। ये December 5 को होने वाला है एग्ज़ाम, एक्चुअल एग्जाम, जैसा कि आप या तो क्रैक करेंगे या रिपीट करेंगे, ये टेस्ट का रिजल्ट आपको बता देगा, यानी इंडिकेशन है, पैरामीटर इंडिकेशन, है ना। बेस्ट टेस्ट में क्या, बेस्ड ऑन द एक्चुअल ITJEE एग्जाम पैटर्न टू हेल्प यू क्रैक यू, है ना, आपको क्रैक करने के लिए वाली चीज आएगी, है ना। नो चांस टू इम्प्रूव योर स्कोर फॉर ईयर, है ना, इस साल क्या कोई चांस नहीं है, है बिल्कुल, है ना। तो ये भी ये बता देगा आपको, ठीक है। और उसके बाद दिया गया कि हाई क्वालिटी क्वेश्चन एजुकेटर क्यूरेटेड बाय द एक्सप्लेनेशन, है ना, अनलॉक कर सकते हैं आप ये टेस्ट देकर। और इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करना आपको, ठीक है। दूसरी बात जो आपके सामने आ रही है, आस्किंग ए डाउट, है ना, जस्ट डाउट पूछना है और अपन को रिवार्ड कर लेना है, यानी प्राइज मिल सकती है। कैसे, हाउ टू पार्टिसिपेट कैसे करना है, है ना, डाउट्स एंड सॉल्यूशन फीचर ऑन योर अनअकैडमी लर्नर ऐप करना है, और मैक्सिमम लर्नर वैलिड डाउट पूछना है, हाउ यू कैन लर्न 100, है ना, लर्नर हु हैव पोस्टेड देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ डाउट वर्थ 250, है ना, ये अमेजन वाउचर है, इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी जा सकती है, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात आ रही है कि यहाँ पर अगर अपलोड करेंगे गो टू द 3 doubts टू गो, है ना, यू कैन पोस्ट द ये चीज़, तो आपको इस टाइप से इसको लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए अगर बात हो, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होगा, यानी जो अगर वीक स्टूडेंट होते हैं या कमजोर होते हैं उनको, है ना, 1-to-1 इंट्रैक्शन दिया जाता है, ये मेन चीज़ है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, जो जो इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर जो बात आ रही है ना, यहाँ पर जो बात आ रही है वो क्या बात है, आपको जो बात है वो ये कुछ ऐसी बात है, देखो कि एक मैग्नेट है ब्रॉड टूवर्ड्स द फिक्स्ड कोयल, इसको फिक्स्ड कर रखा है अपन ने, इसको क्या कर रखा है, फिक्स्ड कर रखा है, और ये लेट से वी वेलोसिटी से अपन लाते हैं, है ना, तो इसमें कुछ करंट इंड्यूस होती है ना, करंट और चार्ज इंड्यूस होता है ना, और वो चार्ज जो आ रहा है, ठीक है, अब अपन ने कंडीशन चेंज कर दी, फिर क्या करा कि इस स्पीड है ना अब द मैग्नेट इज डबल्ड, अब उस मैग्नेट की स्पीड ऐसे आ रहा था, अब एकदम जोर से लाए उसको, तो क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करना है, ये भूल जाते हैं लोग, है ना, रॉन्ग, ई इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा, क्योंकि जो इंडक्शन में वो होगा वो कितना होगा, BLV होगा, है ना, BLV वी वेलोसिटी से कोई आ रहा है ना, मान लिया ऐसा, ये वाली बात आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा, है ना, तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो ये वाली चीज़ बढ़ेगी, लेकिन करंट जो होगी वो क्या हो, Q/T हो जाएगी, करंट जो हो जाएगी Q/T, तो यहाँ से चार्ज का पूछा तो ये IT हो जाएगा, है ना, I जो यहाँ से निकलेगा ये क्या, BLV, है ना, BLV/R हो जाएगा, है ना, BLV/R हो जाएगा, इंटू T हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, क्यों हुआ आपके पास, ये कितना हुआ, क्यों हुआ, तो यहाँ से देखो स्पीड जो रही इसकी, तो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी है ना, तो चार्ज की स्पीड ज़्यादा है ना, देखो यहाँ पर चार्ज और वेलोसिटी का कुछ रिलेशन दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि ये वाला वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो क्यों भी इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि सर्किट के अंदर या ये जो भी इस सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्यू इंक्रीजेस वाला, तो आप क्या लगाएंगे, क्यू इंक्रीजेस वाला स्टेटमेंट क्यों गलत होगा, अब आप कहेंगे कि ये यहाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वो इंड्यूस होने के लिए स्पीड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये क्या वाला है ना, सर्किट में फ्लो होने के लिए तो उसके पास एक ही चीज़ है ना, देखो है ना, सर्किट तो उसके पास कंप्लीट है ना आपके पास यहाँ से, और ये BLV कैसे इंड्यूस हो रहा है, ये है ना, तो यहाँ पर ये वाली चीज इस पे डिपेंड नहीं करेगा, फोर्थ वाला आंसर चला जाएगा,
देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि लूप ऑफ द वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। आपको बी दिया गया है, कितना दिया गया है, बी इज इक्वल टू 0.02 आई टेस्ला दिया गया है ना, ये इतना टेस्ला दिया गया है। देन द फ्लक्स थ्रू द लूप ऑफ द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर आपको ये दिया गया है, ये कितना है, एरिया वेक्टर है, क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना, फ्लक्स थ्रू द लूप निकालना है ना, ये वाली कंडीशन आपको फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो ये वाली जो होती है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है और इनका डॉट प्रोडक्ट होता है ना। बी भी दिया गया है, ए भी दिया गया है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, है ना, सिंपल प्रोडक्ट ले लेंगे। तो फ्लक्स आपसे पूछा जाए तो आप बी कितना है, 0.02, है ना, आई केप है ना, या आई केप, और ये कितना है बोलो, 30i प्लस 16j प्लस 23k, है ना। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे इसमें, बोलिए, यहाँ पर आप करेंगे 0.02 और इसका आई के, आई के साथ मल्टीप्लाई, ये 16 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो आई है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 10^-4 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 10^-2 का स्क्वायर करेंगे। अंदर देखो ये कितना, 30i प्लस 16j प्लस 23k, है ना, ये वाला k आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, 2 × 10^4 और ये -2, तो ये -6 हो गया। अब इस आई का पूरे से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आई साथ में ही है, अभी क्या है आपके पास, आई साथ में ही है ना, तो ये देखिए आई अब साथ में ही, तो ये कितना हो जाएगा, 13i प्लस 16i j प्लस 23k i, है ना, तो ये भी 0 है ना, और बाकी जो बचा हुआ वो भी 0 है ना, ये कितना हो जाएगा, i इंटू आई, तो ये 2 × 30 × 10^4 कितना आ जाएगा, -60, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, 3×2 = 60, और ये 10^-6, तो ये कितना हो गया, 60 माइक्रो, है ना, वेबर, माइक्रो वेबर, ये बी होना चाहिए इसका, है ना, यहाँ पर माइक्रो वेबर बी, तो ये तो आपके पास आ गया फ्लक्स, ठीक है, क्लियर हुआ, इसका फ्लक्स जो आ रहा है वो आप इजीली इसको कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़ जो आ रही है यहाँ पर देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कोइल, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ जा रही है, वेयरिंग द अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, आपको ये दिया गया है, तो वेयर द फाई क्या मिली वेबर में दिया गया है और टी क्या है, इन सेकंड्स में दिया गया है, तो क्या लिखोगे इसको, d∅/dt, है ना, यही फेराडे सर ने क्या बोला था, माइनस, यही माइनस टाइम्स हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल सही। अब यहाँ इसको इसका डिफ्रेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा, 3t² + 2t + 3, तो अब इसको डिफरेंशिएट, ये माइनस ई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, ये ईएमएफ है, तो ये इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, सबका डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन d/dt, और ये कितना, 3t² + d/dt 2t, है ना, प्लस, है ना, d/dt × 3, है ना, तो ये माइनस ई इक्वल टू, या मॉड भी ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ये कितना हो जाएगा, 60 + 2, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ देखो 6 × t की वैल्यू कितनी है, 2 सेकंड पर है, तो ये आ गया 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6×2 = 12 + 2, तो ये आ गया 14 वोल्ट, है ना, 14 काई पे मिली वेवर में, तो ये कितना आ जाएगा, मिली में आ जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा, मिली में आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मिली वेबर हो गया, है ना, मतलब वोल्ट हो गया, सॉरी। तो ई की वैल्यू अगर मैं मॉड ई की वैल्यू आपसे पूछे तो ये 14 मिली वोल्ट, 14 मिली वोल्ट, कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला। तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो ई एम आई से, तो आप मुझे, है ना, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में।